અને ગાય ભેંસ લેવડાવી દેવાના બહાને રૂપિયા 7.67 લાખની ઠગાઈ. રાજકોટમાં યુવકે 10 લાખની લોટરીની લિંક ખોલતા 65,000 ગુમાવ્યા. આધેડ લાઇટ બિલને અપડેટ કરતા ઓનલાઈન 50,000 ગુમાવ્યા. શેર લો તો લોન મળશે કહી ઓનલાઈન 9,000ની ઠગાઈ. ઓહો, તમને લાગશે આ શું વાંચે છે, તો ચાલો લાઈવ નાટક જ જોઈ લઈએ. जीवन में कभी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ए भाई, जनता या काम का छोड़ के हमारा नाटक देखने आई है. अरे तो फिर ऐसा नाटक करते हैं जिसमें आनंद आएगा, मजा भी आएगा, रस भी आएगा और सतर्कता भी बढ़ाएंगे, जानकारी भी देंगे और लोगों को सावधान भी बनाएंगे, क्योंकि सावधानी में ही तो बचाव है. सच बोला ना रिवर सच स्कूल के पेरेंट्स. क्या बात है गुरुजी, वाह 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 वाह. मजा नहीं आया? मजा लेना है तो नाटक शुरू कर रहे हो, शुरू कर. साहेबान, मेहरबान, कदरदान, आप सबको पता ही होना चाहिए, आज से बरसों साल पहले घोड़े पर बैठकर डाकू आते थे, गांव को लूटकर चले जाते थे. बाद में पता नहीं क्या हुआ, डाकू मर गए, घोड़े कम पड़ गए, या हो सकता है कोई फिल्मी वाले ले गए हो, ये कोई गब्बर सिंह बब्बर सिंह. उसके बाद एक ऐसा जमाना आया, आप सोए पड़े होते थे और कोई चुप कैसे आता था. टाड़ा, 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 टाड़ा। वो आपकी मेहनत की कमाई को लूटकर चले जाता था, ऐसा बंदा चोर कहलाता था. आजकल चोरी भी कम हो गई है, जमाना बदल गया है, नई टेक्निक, नया जमाना, न डाकू के चेहरे है न चोरों के चेहरे. हाँ ठीक है, दिखाएंगे, करके दिखाएंगे. ट्रेन ट्रेन ट्रेन, मैं टॉकिंग टू मिस्टर पटेल. हाँ जी मैडम, बोलिए. जी मैं मोटू पतलू बैंक से जूली बात कर रही हूँ. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैडम. आपको बहुत ही अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है. क्या बात कर रही है मैडम. और ज़्यादा अफसोस तो इस बात का है कि आपको बोनस और बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. अरे, एक तो कोरोना ने बोनस छीन लिया है और आप कहती है कुछ नहीं देंगी. अब देखिए देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है. अगर आप चाहते हो कि आपको बोनस और बेनिफिट मिले तो उसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी.
हाँ बोलिए मैडम, क्या शेयर करना है? आधार कार्ड नंबर ये लीजिए, पैन कार्ड नंबर ये लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर ये लीजिए, आईएफएससी कोड अरे मैडम ये लीजिए, एटीएम पिन अरे मैडम ये लीजिए ना, ओटीपी अरे मैडम सब कुछ ले लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया सर। अरे मैडम मेरा बोनस तो आएगा ना? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, आपको बोनस जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर मेरे अकाउंट में। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। क्या मेरी बात रजनी जी से हो रही है? जी मैं रजनी बोल रही हूँ। रजनी जी एक बात बताइए, क्या आप इस वक्त अपने घर पर है? हाँ मैं अपने घर पर हूँ। आपके पास टेबल या कुर्सी तो जरूर होगी? हाँ कुर्सी है। आप इसी वक्त उस पर बैठ जाइए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं देने वाला हूँ आपको ऐसी खबर जिसको सुन के आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे क्या हुआ बताएंगे? रजनी जी आप सुनने के लिए तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ, जल्दी बोलो। रजनी जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बात कर रहा हूँ केबीसी से। आप बैठेगी हॉट सीट पर और आप सामना करेगी महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी का। ओ क्या बात है, मुबारक हो रजनी जी, मुबारक हो। मैं अमिताभ बच्चन से मिलूंगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन रही हूँ। रजनी जी लेकिन आपको सिक्योरिटी के नाम पर 30,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। अब हॉट सीट पर बैठकर ढेर सारा पैसा भी तो जीतेगी और आपकी सिक्योरिटी फी वापस कर दी जाएगी। कैसा लगा? दिमाग अभी बंद है, आप बस मेरी सीट पक्की रखिएगा। धन्यवाद रजनी जी धन्यवाद। मैं अभी आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस पर आप क्लिक। हाँ मैंने क्लिक कर दिया। अरे नहीं करना था। अरे चुप। धन्यवाद रजनी जी धन्यवाद। अब आपके अकाउंट के सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। ओ मेरे सारे पैसे चले गए। ट्रिन 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 ट्रिन। आप जिस व्यक्ति को संपर्क करना चाहती हो आपको चुना लगा के आपके पैसे का पान खाने चला गया है। धन्यवाद। हाँ साहेबान ऐसा ही होता है, कोई केबीसी का लॉलीपॉप देता है, कोई केवाईसी अपडेट करने की बात करता है और कोई और बहाना बनाता है और आपको फोन आता है, आपको रातों रात नील कर दिया जाता है। ये आम लोगों के साथ ही नहीं बेरोजगार लोगों के साथ भी होता है। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हेलो हेलो। हाँ जी नरेश जी बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि आप नौकरी की तलाश में हो। हाँ जी मैडम मैं तलाश में हूँ। नरेश जी आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या मैडम? पिंग पोंग कंपनी ने फैसला किया है कि वो आपको नौकरी देगी। क्या बात कर रही है मैडम? और तो और ज्यादा खुशी होगी जान के कि आपकी सैलरी होगी पूरे 60,000। 60,000? 60,000। 60,000। नौकरी ज्वाइन करने से पहले आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। हाँ मैडम बताए क्या करना होगा? आपको पूरे 25,000 कंपनी में जमा करवाने होंगे। मैडम इतने पैसे तो मेरे पास नहीं होंगे। नरेश जी जरा सोचिए, 60,000 मिलेंगे, 25,000 पैसे तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे आपके। नौकरी गई तो फिर से कपड़े धोएंगे घर पे। हाँ मैडम अभी करवाता हूँ। हाँ बोल बोल। मेरी तो लग गई। अरे क्या लग गई? मेरी तो नौकरी लग गई। अरे तेरी नौकरी नहीं तेरी वाट लग गई। ऐसे ही वाट लगती है कुछ पलों में, मेहनत की कमाई बरसों से जुड़ी हुई कमाई पूंजी एकदम मिट्टी बन जाती है और नवयुवान लोग आज की टेक्नोलॉजी में फेसबुक व्हाट्सएप ये सब यूज करते हैं, उसमें नकली प्रोफाइल बनाते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक लड़की की रिक्वेस्ट आ जाती है और बताने की जरूरत नहीं, आप ही देख लीजिए क्या हो। साहेबान मेहरबान कदरदान, लड़की की रिक्वेस्ट आई एक्सेप्ट कर ली, हॉट सी फोटो आई लाइक कर दी, फेसबुक प्रोफाइल बनाई सेंड कर दी, बातों के पता से लूटे, तुम सच थे यार पर वो एकदम झूठी, फिर भी तुमने अपनी हालत कर दी टाइट, आओ दिखाए कैसे। ट्रिन 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 ट्रिन। हेलो हेलो। हाँ जानू आई लव यू। आई लव यू टू।
जानू। आई मिस यू। आई मिस यू टू जानू। आई किस यू। आई किस यू टू जानू। तुम्हें पता है जानू मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। हाय हाय हाय, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही थी जानू। चल झूठे, फोन तो करते नहीं, मैं ही करती रहती हूँ बार बार। ऐसा कुछ नहीं है बेबी। बेबी ये देखो पसीना पसीना आ रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? निकालो अपनी टी शर्ट, दिखाओ अपने सिक्स पैक। अरे बेबी कितनी नोटी हो तुम, चलो ये लो। वाह बेबी वाह, जूम करो जूम, कितने हॉट लग रहे हो। थैंक यू जान। अबे जान नहीं, तेरी जान का दुश्मन बोल रहा हूँ। ये जो दिखा रहा था ना, सारा रिकॉर्ड कर लिया है फोन में, अभी उसको सोशल मीडिया पे डाल दूँ तो तेरे और तेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती होगी पता चलेगा तुम्हें। डालू डालू? नहीं नहीं नहीं। तो एक काम कर, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये अभी के अभी ट्रांसफर कर, वरना अब तुम मर चुके हो। 50,000 कहाँ से लाओ? प्रफुल बेटा प्रफुल, ये ले खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, चल खाना खा। माँ मुझे भूख नहीं है, जाओ प्लीज। प्रफुल क्या हुआ है, बात तो कर। अरे मेरी माँ, जा तू, मुझे अकेला छोड़ दे। मीरा अभी मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए, ये प्रफुल बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा है, इसे देखिए क्या हो गया है। न किसी से बात कर रहा है, न ठीक से खाता है, न सोता है, और चार चार पाँच पाँच घंटे अपने कमरे में ही रहता है। रुको मैं बात करता हूँ। प्रफुल प्रफुल बेटा प्रफुल। जी पापा जी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी मैं कह रही कि तुम 3-4 दिनों से खाना नहीं खा रहे हो, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है पापा। अरे बताओ बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो पापा मुझे थोड़े पैसे चाहिए। थोड़े कितने? 50। अरे तू 50 नहीं, तू 100 रख, पर तू खुश रहा कर। इतने के लिए रोता है, जा कॉलेज। माँ 100 नहीं, पूरे 50,000 चाहिए। 50,000? इतने पे क्या करेगा तू? कॉलेज में फंक्शन है, इसके लिए चाहिए। अच्छा ठीक है, ले पकड़ 50,000 रुपये, खुश रहा कर, शाबाश, जा कॉलेज आराम से। जी पापा। अरे बेटा एक बार अपनी स्माइल तो दिखा। ही ही ही। ब्रश नहीं किया था क्या? पीले पीले दांत करके रखे हैं, ब्रश करके जा। माँ बाप के लाड पाल से पलते बच्चे और अमीर घरों के बच्चे इन लोगों का शिकार बनते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, शेर के मुंह को अगर आदमी का खून लग जाए तो वो आदम खोर हो जाता है। ऐसे ही इन ब्लैकमेलर को एक बार पैसे मिलते ही बार बार तंग करेंगे। अब प्रफुल की समस्या यहाँ खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि और बढ़ेंगी। ट्रिन 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 ट्रिन। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मुझे 50,000 रुपये और चाहिए। अभी तो दिए थे 50,000। अबे भूल गया क्या, तेरा नंगा नाच किसके पास रिकॉर्ड है, वायरल कर दूँ क्या? नहीं नहीं नहीं। तो भेज। भेजता हूँ। पापा पापा। हाँ बेटा प्रफुल, कैसा चल रहा है तेरा कॉलेज? अच्छा चल रहा है। शाबाश। वो पापा। हाँ बोल बोल बेटा। मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। थोड़े कितने? 25,000। 25,000? अभी तो 50,000 लेके गया था, पैसे क्या पेट पे लगते हैं? और मेरे को एक चीज पता लगी है, ये एक महीने से कॉलेज नहीं जाता, कोई फंक्शन भी नहीं है, 50,000 दे दो, कॉलेज का फंक्शन है, झूठा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रफुल, कॉलेज नहीं जा रहा है? अरे पापा क्या बताओ। क्या हुआ बेटा बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारा बाप भी नहीं तुम्हारा अच्छा दोस्त भी हूँ, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। पापा मुझसे गलती हो गई। क्या? एक लड़की की रिक्वेस्ट आई थी, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली, पहले चैटिंग की, वीडियो कॉल की, पोज बनाए, उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, अभी मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहे, मुझसे पैसे मांग रहे। पापा मैं क्या करूँ क्या करूँ। सुनो प्रफुल बेटा, की तो तूने गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम साइबर क्राइम सेल में जाके रिपोर्ट करते हैं, आ जाओ।
नहीं नहीं पापा, साइबर क्राइम सेल नहीं, उधर मेरी बेइज्जती और बदनामी होगी। अरे बेटा कोई बदनामी नहीं होगी, हम जो कंप्लेन करेंगे वो सारी जानकारी गुप्त रखेंगे, इससे पहले वो देर हो जाए, वो ब्लैकमेलर तुझे ब्लैकमेल करे, हम जाके रिपोर्ट करते हैं, आ जाओ। साहेबान, मेहरबान, कदरदान, ऐसे होते हैं साइबर क्राइम, इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। वो किसी बहाने से आपके अकाउंट डिटेल लेते हैं और आपका आपका अकाउंट खाली करते हैं। अगर आपके साथ या किसी के साथ भी ऐसा हो तो कभी अपना ओटीपी ना दे, किसी लिंक पर क्लिक ना करे और लालच में ना आए। पुलिस डिपार्टमेंट में साइबर क्राइम सेल बनाया है जिसमें इस तरह के केस को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट रखे है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, तुरंत ही अपनी शिकायत साइबर क्राइम सेल में दर्ज करें और उसका नेशनल नंबर है 1930-1930, ये टोल फ्री नंबर है। आपकी जानकारी के लिए साइबर क्राइम सेल का यह नाटक रिवरसाइड इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद, आभार।